अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था, एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली, मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और 2-2 बार राष्ट्रपति बनाने का, उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने 1 बार दलित और 1 बार आदिवासी भारत में प्रथम बार गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र करकर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है।